Nurturing excellence. Hello students, good evening to everyone. Welcome to the YouTube channel of Abhyakas Academy. So we will continue our series of previous year questions of Rashtra Military School. Okay, so let's start our series of previous year question. Okay, so we are on the question number 31 and main aapko pehle bata dun ki maine question number 30 tak 1 से लेकर 30 तक मैंने पिछले वीडियोस में करवा दिए हैं. सो टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज गिव द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कॉलोनल ऑफ आर्मी इन द इंडियन नेवी. क्या बताना है आप? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है. गिव मतलब देओ. इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कॉलोनल. इक्विवेलेंट रैंक कॉलोनल की इक्विवेलेंट रैंक का जो आर्मी में कॉलोनल होता है ना, इक्विवेलेंट कॉलोनल होते हैं आर्मी में, उनकी इक्विवेलेंट रैंक बताओ. इंडियन नेवी के अंदर उनके कॉलोनल की इक्विवेलेंट रैंक कौन सी होगी? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन. ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, कैप्टन. ओके, एंड आपको मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर ये कैप्टन बी कैसे होगा. सो देखो यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया है जिसके अंदर क्या बताया है कि इंडियन आर्मी की जो रैंक्स है, तो इंडियन आर्मी की रैंक स्टार्ट होती है लेफ्टिनेंट से और इसके एंड होती है जनरल पे. और जो ये फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और ये एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, दीज आर द नॉट, दे आर नॉट द रैंक्स. ओके, ये रैंक्स नहीं है, ये किसी को रेस्पेक्ट में दी जाती है रैंक्स. ठीक है, मतलब ये रेस्पेक्ट में दी जाती है. अगर कोई जनरल बहुत अच्छा काम करता है तो उसको उसके रेस्पेक्ट में उसको फील्ड मार्शल की रैंक मिलती है, फील्ड मार्शल की रैंक. ठीक है, और ये मिलती है आर्मी में फील्ड मार्शल, फिर एयरफोर्स में मिलती है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एंड इंडियन नेवी में मिलती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट. मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक इंडियन आर्मी ने ही फील्ड मार्शल की रैंक दी है 2 बार. ठीक है, अब किस किस को फील्ड मार्शल की रैंक दी है वो कौन बताएगा? तो वो बताओगे आप कमेंट सेक्शन में. ओके, दिस इज योर होमवर्क. कमेंट सेक्शन में आप बताओगे किस किस को फील्ड मार्शल की रैंक से अभी तक नवाजा गया है. ठीक है, तो देखो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, आपको ये याद कर लेना है. लेफ्टिनेंट की पोस्ट इक्वल होता है फ्लाइंग ऑफिसर. ओके, और वैसे ही आपको मैं बता दूं कि देखो आपको पूछा गया था, तो आपको पूछा था कि इक्विवेलेंट रैंक कॉलोनल के, तो देखो कॉलोनल का है, सॉरी, तो कॉलोनल का है देखो, तो ये रहा कॉलोनल. ठीक है, अब इसके इक्विवेलेंट रैंक देखो कहां पे, इंडियन नेवी में. तो इंडियन नेवी का है, तो ये रहा इंडियन नेवी. इंडियन नेवी में देखो इसकी इक्वल रैंक कौन सी है, तो इसकी इक्वल रैंक है कैप्टन. ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर. समझ आ गया ना? अब आपको ये टेबल याद कर लेनी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहा हूँ. मैंने पहले बता दिया है प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ. ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैं करवा रहा हूँ 2018 का. इसके पहले मैंने आपको 2021 और 2020 का पेपर सॉल्व करवा दिया है. ठीक है, तो अभी हम लेके चल रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ राजस्थान मिलिट्री स्कूल. ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. देखो, इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट, सॉरी ये बोन आएगा यहाँ पे, इट्स नॉट डन, यहाँ पे बोन आएगा. ठीक है, इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द ह्यूमन बॉडी. ये हमारी बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, इसमें लॉन्गेस्ट बोन किस में होती है? तो कहाँ होती है? तो होती है फीमर. ओके, ऑप्शन डी, फीमर विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. तो अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया. अब की बार एज इट इज तो क्वेश्चन आने से रहा ना, बिल्कुल एज इट इज तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं. तो क्वेश्चन कहां से बन सकता है?
क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी, बोन कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ये मास्टर ग्लैंड कौन सी है, या हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बार बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई विल कवर अबाउट 50, मिनिमम 50 क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। ओके, सो देखो लार्जेस्ट मसल कौन सी है, तो कौन सी है भाई लार्जेस्ट मसल, बताओ कौन सी लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल है ग्लूटस मैक्सिमस। ओके, जो ग्लूट्स होते हैं ना हमारे, तो ग्लूट्स की मसल्स होती है ये। ठीक है, लार्जेस्ट मसल। देन स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज। अब ये स्टेपीज कहाँ होती है भाई बोन, तो ये होती है हमारे ईयर में। मैं आपको बता दूं हमारे ईयर में तीन बोन्स होगी छोटी छोटी। ठीक है, ईयर में तीन बोन से छोटी छोटी, जिसमें सबसे छोटी होती है स्टेपीज, स्टेपिस। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अ बॉडी। ओके, देन लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है भाई, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगी बेटा, देखो लार्जेस्ट ग्लैंड होगी लीवर। ठीक है, लीवर विल बी द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड द नेक्स्ट मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके, देन नेक्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है हमारी बॉडी में, तो वो है टूथ एनामल। टूथ इनेमल, ओके, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके, समझ आ गया, चलो अगले क्वेश्चन पे। तो देखो 33 क्वेश्चन कौन सा है, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। क्या बताना है कि दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, इज कैस्पियन सी। ऑप्शन डी कैस्पियन सी। ओके, अब देखो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन यहां से आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आंसर बताता हूँ आपको। देखो मैं, लार्जेस्ट लेक कौन सा है भाई, कौन सी लार्जेस्ट लेक बताओ। लार्जेस्ट लेक भी हमारी कैस्पियन सी है। ठीक है, देन लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, इंडिया की लार्जेस्ट लेक है वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक। ओके, नेक्स्ट लार्जेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है भाई, तो वो है पैसिफिक ओशियन। पहले मैंने कई बार पढ़ा दिया ये तो आपको बहुत बार आ चुका है ये लोग। ठीक है, देन लार्जेस्ट सी, लार्जेस्ट सी कौन सी है, लार्जेस्ट सी है फिलीपींस सी। ओके, देन लार्जेस्ट बे, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो लार्जेस्ट बे है बे ऑफ बंगाल। ओके, देन नेक्स्ट लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है भाई लार्जेस्ट गल्फ, एनीवन किसको आता है। चलो अब मुझे आप यहां बताओगे कमेंट सेक्शन में कि लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर दोगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो होमवर्क क्या है आपका इस स्लाइड में, तो होमवर्क है लार्जेस्ट गल्फ। ओके, और पिछला क्या था होमवर्क, पिछला आंसर आपका क्या था, क्या बताया था मैं लार्जेस्ट, आपको मैंने बताया, मैंने क्या बोला था कि आपको यहां होमवर्क क्या करना है, फील्ड मार्शल की रैंक किस किस को मिली है उनका नाम बताना है आपको, फील्ड मार्शल्स रैंक जिस जिसको मिली है ना ये पोजीशन, उनके नेम बताने हैं, दो जनों को मिली है, किस किस को मिली है इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, देन इसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको होमवर्क, लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है। ठीक है, फिर विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, कौन सा है भाई, मरकरी। ऑप्शन बी मरकरी।
ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा बिगेस्ट बिगेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। ओके चलो अगले क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन आई गया, लार्जेस्ट प्लेनेट बताया ना अभी मैंने आपको जुपिटर, देन नियरेस्ट सन टू द सोलर सिस्टम, यहाँ पे सॉरी नियरेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम। नियरेस्ट स्टार कौन सा है सोलर सिस्टम के, सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक का स्टार बताओ भाई कौन सा है? प्रोक्सीमा सेंटोरी, प्रोक्सीमा सेंटोरी। ओके देन नेक्स्ट, नियरेस्ट गैलेक्सी, सबसे नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी तो हमारी है, उसके सबसे पास वाली गैलेक्सी का नाम बताओ। तो उसके पास वाली गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, देन फास्टेस्ट रोटेशन, मतलब सबसे फास्ट रोटेशन कौन करता है सोलर सिस्टम में, प्लैनेट्स में से कौन करता है? जुपिटर करता है। ठीक है, देन फार्थेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से सबसे दूर वाला प्लेनेट कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, हु इज द फर्स्ट अवॉर्डी टू गेट परमवीर चक्र, सबसे पहले परमवीर चक्र से किसको नवाजा गया था? सो द आंसर विल बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैं बता दूं, जो भारत रत्न है ये सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब किसी नागरिक को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न ही है। ठीक है, तो अब बताओ सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया? तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया सीवी रमन को। इनके साथ में और किस किस को मिला था? मिला था किस किस को? श्री राजा गोपालाचारी जी को, श्री राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, और इनके साथ में और कौन था भाई? और कोई भी था क्या? बताओ कौन था? और देखो, एक तो सीवी रमन, ठीक है, उनके साथ में सी राजा गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ओके अब देखो अगला, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया, नोबेल प्राइज विनर सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, नेशनल एंथम के कॉम्पोजर है। ठीक है, देन फर्स्ट खेल रत्न, फर्स्ट पहला खेल रत्न किसे मिला? तो फर्स्ट खेल रत्न मिला विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथन आनंद। ये कौन है? तो ये है चेस के प्लेयर, चेस से रिलेटेड है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, अवॉर्डेड फर्स्ट खेल रत्न। अब देखो, खेल रत्न को अब किस नाम से बोलते हैं? तो खेल रत्न को अब बोला जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सॉरी राजीव गांधी नहीं, पहले बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न, पहले तो क्या बोलते थे? राजीव गांधी। और अब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अब बोलते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद, 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 मेजर ध्यानचंद। ओके अब देखो, फर्स्ट ओलंपिक मेडल,
सबसे पहले ओलंपिक मेडल किसने जीता इंडिया के लिए? तो वो जीता केडी जाधव ने। ओके, आफ्टर इट, फर्स्ट ऑस्कर विनर पर्सन। तो सबसे पहले ऑस्कर विनर कौन था इंडिया से? तो वो थे भानु भाटिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम? क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको कि नेशनल एंथम का कंपोजर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी किसके हैं? नेशनल सॉन्ग के कंपोजर है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, इसके साथ में जो पॉइंट्स होने, तो नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। बता दिया ना अभी, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, और किसने कंपोज किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चटर्जी ने। ठीक है, देन हु डिजाइंड आवर नेशनल फ्लैग? तो हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया भाई? तो हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया पिंगली वेंकैया ने। ओके, देन कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं प्रेम बिहारी जी को, प्रेम बिहारी नारायण राजदा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राजदा को कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देन रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग कौन सा है हमारा? हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, तिरंगा है ना हमारा नेशनल फ्लैग, इसको यूं होता है तिरंगा, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं देखो, इस तरह से होता है ना, बीच में क्या होता है अशोक चक्र। अब ये किस रेशियो में होता है? तो ये रेशियो होता है इसका 2:3 में। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम? जो सत्यमेव जयते है ना हमारा स्टेट एम्बलम है ना, स्टेट एम्बलम है जो हमारा इंडिया का, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है उपनिषद से, ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो भी, तो गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम, जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, अब देखो ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा? तो ओल्डेस्ट वेद भी क्या कौन सा है? ऋग्वेद ही है। ठीक है, देन हु रोट रामायण? तो रामायण किसने लिखी भाई? तो रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि। ओके, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड गणेश। उसके बाद में हु रोट महाभारत? तो महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने लिखी रामायण महाभारत। ठीक है, देन विच वेद बिलोंग्स टू संगीत शास्त्र? संगीत शास्त्र से कौन सा वेद बिलोंग करता है? तो वो करता है सामवेद। अब देखो आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे? साम, द मीनिंग ऑफ साम इज सॉन्ग। ओके, मीनिंग ऑफ साम इज सॉन्ग एंड मीनिंग ऑफ वेद इज नॉलेज, KNOLEVG। ओके, नॉलेज, सो द नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स, समझ में आ गया ना, तो उसको बोलते हैं सामवेद। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे। तो देखो व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र, ऑप्शन ए अशोक चक्र। ठीक है, फिर देखो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? वो तो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये तो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो वो है परमवीर चक्र। आफ्टर दिस
हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। मैंने पिछली अभी करवाया था आपको, खेल के लिए दिया जाने वाला मेजर ध्यानचंद, ठीक है। देन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद में हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचिंग इन स्पोर्ट्स, कोच जो कोच होता है स्पोर्ट्स में उसको दी जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य गुरु थे ना, उनके नाम पे दिया जाता है हाईएस्ट कोच अवार्ड फॉर इन स्पोर्ट्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नोवेल हैज वॉन द 2018 गोल्डन मैन बुकर प्राइज? गोल्डन मैन बुकर प्राइज किसे मिला है 2018 में? तो ये देखो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। बट आपको मैं बता देता हूँ, अभी ये रिलेटेड नहीं है आपसे, कोई मतलब नहीं है इससे, फिर भी देखो कौन सा है। तो वो है द इंग्लिश पेशेंट, ऑप्शन बी। देखो पिछली बार क्या पूछा, गोल्डन मैन बुकर प्राइज पूछ लिया, अब की बार क्या पूछ सकता है? अब की बार कौन है गोल्डन मैन बुकर प्राइज, कौन सी बुक को मिला? वो मिला टॉम ऑफ सैंड को। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टॉम ऑफ सैंड का हिंदी में बोलते क्या है? रेत समाधि, रेत समाधि। रिटन बाय गीतांजलि श्री, ठीक है। गीतांजलि श्री जी ने तो इसको किसमें लिखा? हिंदी में। इसको क्या बोला गया? रेत समाधि के नाम से, ओके। फिर इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया एक राइटर है डेजी नाम से, उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है। और वो इंग्लैंड के थे तो उनको उन्होंने नाम रखा टॉम ऑफ सैंड, आफ्टर विच गोल्डन मैन बुकर प्राइज मिला है उनको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सी क्रॉप है जो क्या करती है, मदद करती है, हेल्प्स मतलब मदद करती है इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो कौन सी मदद करती है भाई? तो ऑप्शन डी ग्रीन पीस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है भाई? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है? बैकिलस, ठीक है, बैकिलस हो गया, और क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, और क्लैबस्ट्रेला हो गया, ठीक है, और एजोटोबैक हो गया, ठीक है, एजोटोबैक्टेरा, ओके। देन अब सिम्बायोसिस क्या होती है? सिम्बायोसिस एक टर्म है, ये क्या टर्म होती है, उसका मतलब क्या होता है? तो सिम्बायोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप, और अगर कोई इंटरेक्शन होता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जिसके हैबिटेट सेम होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। मतलब कुछ सिम्टम्स है उनके अंदर जो सेम है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? कोई रिलेशनशिप या फिर कोई इंट्रैक्शन दो अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलर हैबिटेट शो करे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन? डिफाइंड एज, डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप, डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर सिमिलर हैबिटेट, ठीक है। ये हो गया सिम्बायोसिस की डेफिनेशन। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर, तो परसेंटेज कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का एटमोस्फियर में? तो 78% पढ़ाया हुआ है ना कंपोजिशन ऑफ अर्थ में या एटमोस्फियर में। फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं अमोनिया, साथ में नाइट्रेट एंड यूरिया,
ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखो आपको मैं बता देता हूं एक चीज कि आपको एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, ओनली 30 डेज आर लेफ्ट इन योर लास्ट मिडिल स्कूल्स पेपर। ओके, तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अब आपको इसीलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है, एग्जाम्स के व्यू पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, आपको देना क्या है, टेस्ट देने हैं आपको, एज मच एज पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट आप बोलोगे यार सर कहाँ से दे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आप कहाँ से दोगे, तो आप जाओगे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अभ्यास अकेडमी के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक से आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में आप वहां पे देखोगे तो आपको एक लिंक और मिलेगा जिसमें लिखा होगा फ्री मॉक टेस्ट। तो फ्री मॉक टेस्ट के लिंक पे जाओगे, वहां पे आपको फॉर्म सबमिट रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी आपको, दैट विल बी श्योरली बेनिफिशियल फॉर योर राष्ट्रीय मिडिल स्कूल पेपर। ओके, सो इस फ्री मॉक टेस्ट को प्रॉफिट आपको गेन करना है, ठीक है, जितना हो सके उतना अच्छे से गेन करो इसका, इसको जो प्रॉफिट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद। For free study material, join our Telegram channel. For more updates and continuous learning, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video. Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost.